वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंडस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में कैसे तैयार होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और इसके यूजेस वगैरह पढ़ेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, एक चैम्बर प्रोसेस है और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो सबसे पहले चैम्बर प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं और इसकी फ्लोशीट डायग्राम देख लेते हैं। फ्लोशीट डायग्राम अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स जब पढ़ेंगे तब समझ आएगी। ओवरऑल वैसे व्यू कर लेते हैं कि इसमें ये जो है वो क्या है। एक्चुअली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सल्फर इस्तेमाल होती है, आयरन पाइराइट इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होती है, या स्मेल्टर्स इस्तेमाल होते हैं, या ब्राइम स्टोन इस्तेमाल होता है। ब्राइम स्टोन क्या होता है, जो ये लावा वगैरह उबलता है उस वो जो रॉक्स होती हैं उनको ब्राइम स्टोन जो है वो कहा जाता है। यानी आतिशबाजी पहाड़ फटने के बाद जो रिमाइंडर्स है वहाँ पे वो चीज़ क्या कहलाती है, ब्राइम स्टोन कहलाती है। वो जो सल्फर है या आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट क्या है, Fe2, वो इस्तेमाल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखें डायग्राम में जो है वो फ्लोशीट डायग्राम में देखें, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज अ कैटालिस्ट के तौर पर, एंड दिस सल्फर ऑक्साइड कम्स फ्रॉम द बर्नर, बर्नर से आ रही है जहाँ पे आपने सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, और या आयरन पाइराइट को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे क्या बनी, सल्फर डाइऑक्साइड बनी। अब वो बर्नर से सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, वो कहाँ पे आ रही है, ग्लोअर टावर में आ रही है। जो ग्लोअर टावर है उसके बहुत से फंक्शंस हैं। इसमें जो है वो आपके पास क्या आता है, एसिड, यहाँ से जो है वो कंसनट्रेटेड एसिड भी ऑब्टेन होता है। एक्चुअली ग्लोअर टावर इज कनेक्टेड टू बाय दिस लाइन, अगर इस लाइन से इंडिकेट करें, दिस इज जो है वो क्या है, दिस इज लेड चैम्बर यूनिट। लेड चैम्बर्स हैं जिसमें तीन चैम्बर्स हैं, यानी लेड से बने हुए जो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ में जो है वो क्या होता है, ये देखेंगे जिसमें वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, SO3 का, तो क्या होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑब्टेन, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड 50% ये डाइल्यूट होता है, इसको यहाँ पे कंसनट्रेट करने के लिए ग्लोअर टावर में सेंड कर दिया जाता है। तो ग्लोअर टावर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फंक्शन ये कर रहा है कि वो कंसनट्रेट कर रहा है किस एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, जो कहाँ से आ रहा है, ये लेड चैम्बर से आ रहा है, ये क्या है, लेड चैम्बर्स है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो क्या है, ग्लोअर टावर इज कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड टू लेड चैम्बर, जो है वो लेड चैम्बर से क्यों कनेक्टेड है यहाँ पे जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होता है उसमें क्या होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो यहाँ पे लेड चैम्बर में लेके आया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट, ये चैम्बर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये चैम्बर से लेड चैम्बर से लेड चैम्बर, यानी ये ग्लोअर टावर के बाद लेड चैम्बर, लेड चैम्बर्स के बाद गेलेसिक ल्यूजिक टावर जो है वो, गेलेसिक टावर में जो है वो क्या होता है, गेलेसिक टावर में जो है वो आपके पास जो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या बनता है, विट्रस नाइट्रोल बनता है। ठीक है, जो है वो यानी नाइट्रस विट्रोल जो है वो बनता है, ये इस तरफ जो है वो आता है, कहाँ पे आता है, बैक टू ग्लोअर टावर जो है वो आता है। ठीक है, जो है वो यहाँ पे देखें, ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड कूलर के बाद यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, कंसनट्रेशन के लिए यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ से जो है वो स्टॉक की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है, जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होता है।
गैसेस वगैरह जो है वो फिर इन यहाँ से जो है वो गैसेस वगैरह इधर जो है वो सेंड की जाती हैं लाइट चैम्बर में से, जो गैसेस हैं दोबारा से यहाँ पे सेंड की जाती हैं। कौन सी? जो नाइट्रोजन, मैंने कहा कि यहाँ से क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिमूव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है फिर दोबारा से वो क्या करता है, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड के साथ मिलकर ये नाइट्रो बनाते हैं और वो फिर ग्लोवर टावर में जो है वो सेंड कर दिया जाता है। इसकी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है, हमने कहा कि जो बर्नर है, सबसे पहले जो है वो जो रॉ मटेरियल है उसको बर्न किया जाता है। तो चैम्बर प्रोसेस इक्विपमेंट में सबसे पहले क्या है, बर्नर एंड फर्नेस है। बर्नर एंड फर्नेस ये चूज हम जो है वो इसकी चॉइस डिपेंड किस पे करती है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली बर्नर के क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस सप्लाई करता है ऑक्सीजन किसको, जो है वो सल्फर को, ताकि वो किस में तब्दील हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाए। ठीक है, जो है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन, यानी ऑक्सीडाइज मैक्सिमाइजली सल्फर इंटू सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो, बेसिकली यही फंक्शन है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैसेस, बर्नर गैसेस जो है वो। और दूसरा क्या है, मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ सल्फर इंटू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बर्नर में क्या होता है, सल्फर जो है वो किस में तब्दील होती है, सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील होती है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वो प्रेपरेशन होती है। ठीक है, जो है वो अब जो है वो यहाँ पे, यानी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा क्यों रखा जाता है, यानी हाई टेम्परेचर जोन में क्यों रखा जाता है, कि यहाँ पे सल्फर जो है वो किस फॉर्म में होती है, सब्लाइम फॉर्म में होती है। तो किस वजह से होती है उसका, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, हाई है, और हीट ऑफ कम्बशन क्या है, लो है। इस वजह से जो है वो सल्फर सब्लाइम फॉर्म में होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर इसीलिए जो है वो क्या किया जाता है, हाई रखा जाता है, ताकि सल्फर जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हो, और जब ज़्यादा एक्सपोज होगी तो वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। जी, है वो। अब डिफरेंट बर्नर्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो है वो ये मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है। पाइराइट बर्नर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, पाइराइट बर्नर कब इस्तेमाल होते हैं, जब आप पाइराइट सल्फर के लिए सल्फर बर्नर इस्तेमाल होता है, और पाइराइट जो है वो, यानी आयरन सल्फाइड के लिए पाइराइट बर्नर जो है वो कहा जाता है, यानी जब आपके पास पाइराइट रॉ मटेरियल हो तो फिर वहाँ पर जो है वो आप पाइराइट बर्नर यूज़ करते हैं। अब रिएक्शन क्या होता है बर्नर्स में, ये सल्फर बर्नर में है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दिस इज आयरन पाइराइट, ये क्या करती है ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ये जब जो है वो आयरन पाइराइट जो है वो पहले डिकम्पोज होता है, किस टेम्परेचर पे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड में, किस में, आयरन सल्फाइड में। ठीक है, आयरन सल्फाइड में जो है वो फेरस सल्फाइड में डिकम्पोज होता है, और वहाँ पे जो है वो सल्फर वेपर, सब्लाइम जो है वो वेपर, सल्फर के वेपर्स होते हैं। सल्फर जो है वो बर्न होके क्या किस में तब्दील हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में, और जो ये आयरन सल्फाइड है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। है वो आयरन ऑक्साइड बाज़ दफ़ा जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, कहाँ पे, इस सल्फर डाइऑक्साइड को, इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करने के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो यही होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड किस में तब्दील करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करेंगे। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर देखें, जो है वो यहाँ पे 400 रखा गया है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रखने का मकसद जो है वो क्या है यहाँ पे, ताकि जो सल्फर है वो क्या हो जाए, बर्न हो जाए। ठीक है, जो है वो कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मकसद यही है कि जो आयरन पाइराइट है वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, किस में, जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, और यहाँ से जो है वो सेकेंडली क्या किया जाता है, जो ऑक्सीडेशन की हीट है वो क्या की जाती है, कंटिन्यूसली रिमूव की जाती है, ताकि वहाँ पे जो क्लिंकर फॉर्मेशन यानी सॉलिड डिपोजिशन ना हो।
ठीक है जो है वो, और फिर जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो बर्नर में की जाती है, ताकि जो है वो इसकी कंप्लीट बर्निंग हो जाए, ओर की या सल्फर की जो है वो कंप्लीट बर्निंग हो जाए जो है वो, और इसको कंप्लीटली जो है वो ड्यूरिंग जो है वो प्रोसेस कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, ताकि जो है वो जो सल्फर है वो क्या हो, मैक्सिमम उसका कंटेक्ट हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, या आयरन पाइराइट का मैक्सिमम कांटेक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी बर्नर बर्नर यहाँ पे कितने फंक्शंस कर रहा है, एक तो जो है वो टेम्परेचर हाई है, वो टेम्परेचर हाई किसको फैसिलिटेट करेगा, डिकम्पोजिशन को फैसिलिटेट करेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वो है ऑक्सीजन वो किसको फैसिलिटेट करेगी, वो भी बर्निंग को फैसिलिटेट करेगी, और जो है वो कंटिन्यूसली रिमूव कर रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, हीट ऑफ ऑक्सीडेशन, हीट कॉन्टेंट्स वो क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि सॉलिड डिपोजिशन ना हो। दूसरे लास्ट में क्या है, एजिटेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम कांटेक्ट हो जो सॉलिड का और ऑक्सीजन का, ताकि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा बने। नहीं, बर्नर गैस जो है वो बर्नर गैस यानी जो बर्नर में गैसेस हैं हम, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, जो यानी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो है वो बर्नर गैस का मतलब क्या है, नेक्स्ट बर्नर गैस ही मूव करेगी, बर्नर गैस में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी अलॉन्ग विद द सल्फर डाइऑक्साइड, जब जो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो किस में तब्दील होगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में तब्दील होगा। नेक्स्ट है कम्बशन चैम्बर, ये कहीं पे होता है और कहीं पे नहीं होता है। जब आपके पास ब्राइम स्टोन आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो चूंकि ब्राइम स्टोन को जब आप हीट करते हैं, बर्नर में हीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सब्लाइम सल्फर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि सल्फर जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हुई होती है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो नेक्स्ट क्या, इन ग्लोबल टावर में चूंकि इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या करेंगे, इसको जो है वो सल्फर को, सब्लाइम सल्फर को कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में, तो उसके लिए एडिशनल चैम्बर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, कम्बशन चैम्बर, यानी बर्नर प्लस कम्बशन चैम्बर। बर्नर में जो है वो ऑक्सीडेशन हुई सल्फर की, आयरन पाइराइट की या ब्राइम स्टोन की, तो फिर जो है वो अगर रिमाइंडर कोई सल्फर रह गई है, तो उसकी भी ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगी, कम्बशन चैम्बर में हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, डस्ट चैम्बर। डस्ट चैम्बर क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये डस्ट रिमूव करने के लिए है, जब आयरन पाइराइट रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, गैसेस में डस्ट जो है वो शामिल हो जाती है, ठीक है। जो है वो जो उस डस्ट को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, डस्ट चैम्बर से पास किया जाता है। अगर जो है वो डस्ट को आप रिमूव नहीं करते, फाइन पार्टिकल्स को रिमूव नहीं करते, तो क्या हो जाता है, प्रेटस क्लॉग कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं एसिड जो प्रोड्यूस होता है, तो जो है प्योरीफाई करने प्योर एसिड लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डस्ट वगैरह को, फाइन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर्स के जरिए या सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स के जरिए। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स जो है वो लाइट और हैवी डेंसिटी के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो क्वार्टर इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेट्स हैं वो चार्ज वगैरह पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए क्वार्टर प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। यानी डस्ट रिमूविंग कैसे की जाती है, प्रेसिपिटेटर्स के जरिए और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स के जरिए। डस्ट रिमूवल क्यों नेसेसरी है, प्योर एसिड ऑब्टेन करने के लिए, और दूसरा अपरेटस को डैमेज से बचाने के लिए, क्लॉगिंग से बचाने के लिए। डस्ट कहाँ से शामिल होती है, पाइराइट को जब आप बर्नर में बर्न करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो पाइराइट यानी आपके पास जो है वो इम्प्योर है, तो उसको जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या होती है, डस्ट शामिल होती है, तो वहाँ से क्या हो जाती है, डस्ट आ जाती है। नाइट्रोपोर्ट्स जो है वो क्या है, ये नाइट्रोपोर्ट्स एक्चुअली जो है वो इसमें
जब डस्ट को रिमूव किया जाता है डस्ट चैम्बर से, तो फिर बर्नर गैस को कहाँ पे, नाइटर ओवन में जो है वो भेज दिया जाता है, किसको, जो बर्नर गैस को यानी SO2 को जो है वो वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। SO2 अलॉन्ग विद ऑक्सीजन इज अ बर्नर गैस। तो जब जो है वो SO2 को जो है वो बर्नर गैस में सेंड कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ पे जो नाइटर ओवन है वो क्या है, आयरन से बना हुआ है, जिसमें जो है वो क्या है, इक्वल यानी इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट के ऐड किए जाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड किया जाता है। और वहाँ पे जो है वो नाइटर ओवन का मतलब है यानी ये सोडियम नाइट्रेट को अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड हीट किया जाता है। जब आप सोडियम नाइट्रेट को या पोटाशियम नाइट्रेट को अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड हीट करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है सोडियम बाई सल्फेट प्रोड्यूस होता है और नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है। ये नाइट्रिक एसिड जो है वो इसको जो है वो ग्लोर टावर में सेंड किया जाता है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देता है। यानी नाइट्रो पॉट में एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रो पॉट में, नाइट्रो पॉट इज प्रोवाइडेड विद पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दिस सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टुगेदर टू गिव नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड। इन नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, दैट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, और वहाँ पे क्या ऑब्टेन होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन होंगे अलॉन्ग विद वाटर। यानी नाइट्रो पॉट्स में जो है वो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है और क्या है, वाटर है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रो पॉट्स, पहले जो नाइट्रो पॉट्स थे उनमें जो है वो क्या इस्तेमाल हो रहा था, HNO3 जो है वो इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जो मॉडर्न नाइट्रो पॉट्स हैं उसमें जो है वो अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जाती है। यानी वहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑब्टेन कैसे किया जाता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ऑब्टेन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट। ये चीपर प्रोसेस है और इसमें जो है वो नाइट्रो केक्स जो है वो उसकी पोजीशन नहीं होती है। तो अमोनिया ऑक्सीडेशन यूनिट में क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अमोनिया होती है, एयर यानी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, फिल्टर होता है जो रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द अमोनिया एंड एयर, हीट एक्सचेंजर होता है, कन्वर्टर होता है यानी कैटलिस्ट है जिसमें जो है वो ये दोनों आपस में, कन्वर्टर है जिसमें कैटलिस्ट कोटेड होता है, जिसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये दोनों अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। और फिर जो है वो क्या होता है, एनालाइजर होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ एयर अमोनिया मिक्सचर। बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करेगा जो है वो, एक्चुअली ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन परोक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये नाइट्रोजन परोक्साइड क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और खुद जो है वो किसमें तब्दील हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। यानी नाइट्रो पॉट्स दो तरह के हैं, एक जिनमें जो है वो नाइट्रो ओवन है और एक जो है वो क्या है, अमोनिया ऑक्सीडेशन यूनिट है। अमोनिया ऑक्सीडेशन यूनिट में अमोनिया के जरिए अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जाती है, जबकि जो नाइट्रो ओवन है उसमें क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा के नाइट्रिक एसिड, और वो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। अब जो है वो नेक्स्ट आ गया ग्लोअर टावर। जो है वो ग्लोअर टावर में एक्चुअली क्या होता है, ग्लोअर टावर के मेन बेसिक जो है वो मेन आप कह लें जो इक्विपमेंट है वो ग्लोअर टावर है, गेलासिक टावर है और लेड चैम्बर है। ग्लोअर टावर में क्या है, आपने बर्नर गैसेस जो है वो सेंड किए, नाइट्रोजन यानी नाइट्रिक ऑक्साइड किया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड आपने जो है वो सेंड की। जमीन में रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है, जो है वो वहाँ पे अब जो है वो लेड चैम्बर से भी एसिड आ रहा है।
ठीक है, नीचे से बर्नर, हॉट बर्नर गैसेस जो हैं वो आ रही हैं, बर्नर गैसेस यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी आ रही हैं। जब वो सल्फर डाइऑक्साइड नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास, यानी आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की थी, आप ये कह लें कि ये ब्लॉक है, ठीक है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ग्लोबल टावर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, लेड चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेड चैम्बर है। लेड चैम्बर से क्या आ रहा था, डेल्यूट एसिड आ रहा था, किसके अंदर, ग्लोबल टावर के अंदर, ठीक है। एक क्या आ रहा था, नाइट्रस विट्रोल आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम गेलोसिक टावर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बर्नर गैसेस थी, ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पे क्या था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है वो आ रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये हॉट गैसेस, ये बर्नर गैसेस हैं, जिसमें SO2 है अलोंग विद ऑक्सीजन। ये क्या कर रही है, ये हॉट है क्योंकि बर्नर की तरफ से आ रही है, कूल नहीं गया इनको, ये हॉट है। ऊपर से ये जो डिल्यूट एसिड आ रहा है, कहाँ से, लेड चैम्बर से, ये क्या ऊपर से आएगा और यहाँ ये नीचे से ऊपर जाएंगी, तो क्या होगा, जो हीट होगी वो यूटिलाइज होगी कहाँ पे, वाटर को कन्वर्ट करने में, किस में, स्टीम में कन्वर्ट करने में, जिसकी वजह से जो डिल्यूट एसिड होगा उसमें वाटर कंटेंट्स कम हो जाएंगे और उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर इसमें ग्लोबल टार में ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर लो करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर डेंजरस होते हैं और जो लो टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी को जो है वो करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो फंक्शंस हैं ग्लोबल टावर के वो क्या है, यानी जो ग्लोबल टावर है उसका पहले तो पहला फंक्शन यही है कि वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे बर्नर गैसेस को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है फ्रॉम अबाउट 400 डिग्री से 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्नर गैसेस क्या कर रही है, कूल हो रही है, कैसे कूल हो रही है, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रही है, अपनी हीट शिफ्ट कर रही है, कहाँ पे, जो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेड चैम्बर से आ रहा है, ठीक है। सेकंड इसका क्या है कि डिल्यूट चैम्बर एसिड, यानी जो लेड चैम्बर से एसिड आ रहा है उसको क्या कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है, कितना कंसंट्रेट कर रही है, 78% जो है वो कर रही है। कैसे कंसंट्रेट कर रही है कि उसमें जो वाटर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, स्टीम में, क्योंकि जो उसमें वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे, बाय बर्नर गैसेस, ठीक है। यानी ये दो फंक्शंस हो गए, बर्नर गैसेस को कूल करना, दूसरा डिल्यूट एसिड को, लेड चैम्बर एसिड को, जो लेड चैम्बर से डिल्यूट एसिड नजर आ रहा है उसको कंसंट्रेट करना। तीसरा फंक्शन जो है नाइट्रस विट्रोल, कहाँ से आ रहा था, गेलोसिक टार से आ रहा था, उसको डीनाइट्रेट जो है वो करता है और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील करता है। ये क्या है, नाइट्रोसाइल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड आप कह लें इसको, या जो है वो नाइट्रस विट्रोल कह दें, जब इसको वाटर के साथ, यानी यहाँ पे क्या होता है, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। यानी तीसरा फंक्शन क्या है, जो नाइट्रस विट्रोल है उसको डीनाइट्रेट कर रहा है, उसको किस में तब्दील कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील कर रहा है, ठीक है। अब जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जो उसके सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर शामिल हुए थे, उनको दोबारा से जो है वो क्या कर लिया, रिकवर जो है वो यहाँ पे कर लिया। कैसे जो है वो करेंगे, जो है स्टीम जो बनती है वो लेड चैम्बर में जाती है एंड जो है वो, यानी और ऑक्सीडाइज करती है किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को टू सल्फ्यूरिक एसिड। यानी ये स्टीम है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, वो जो पीछे रिएक्शन था कि जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना था, नाइट्रोजन ये डाइऑक्साइड बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। जब ये इसके साथ देखें ये रिएक्शन होगा SO2 प्लस NO2, ठीक है, ये क्या बनाएंगे जो है वो SO3 प्लस NO,
ठीक है, ये SO3 इस वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो पहले ही बना हुआ है, ठीक है। अब जो ये एसिड है, यहाँ से ग्लोवर टावर से जो है वो क्या कर लिया जाता है, एसिड एग में, यानी नीचे जो है वो कलेक्टर होता है उसमें स्टोर कर लिया जाता है, जो कितना होता है 78% होता है ग्लोवर टावर में। ये फंक्शन आते होते हैं, वट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ ग्लोवर टावर, यानी ग्लोवर टावर में क्या हो रहा है, स्टीम जो बनती है, स्टीम बनती है ना, कहाँ से बनती है वो, जो स्टीम कैसे बनती है, जब उसने रिमूव किया था वाटर, बर्नर गैस ने कहाँ से, डिल्यूट एसिड से, जो कहाँ से आ रहा था, चैम्बर एसिड से, वहाँ से जो स्टीम रिमूव होती है वो क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड को किस में तब्दील करती है, सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील करती है, क्योंकि उसमें, उस चैम्बर में, ग्लोबल टावर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, जो नाइट्रो ओवन से आ रहा है। नेक्स्ट है जो है वो कूलर है, ठीक है, जो है वो, अब ये कूलर स्टार्ट में जो फ्लोशीट डायग्राम देखी थी, तो जो एसिड मर्ज हो रहा था ग्लोबल टावर से, उसका चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको जो है वो क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, और फिर जो है वो लेड चैम्बर्स की तरफ जो है वो सेंड कर दिया जाता है। एक्चुअली जो कूलर्स होते हैं ये लेड से बने होते हैं, और इनमें जो कॉयल पाइप्स होते हैं, यानी ये आपके पास, ये आपके पास लेड से बना हुआ है और वुडन फ्रेम्स के अंदर ये फिट होते हैं, और इसमें जो ये कॉइल पाइप्स हैं, ये पाइप्स ऐसे हैं, वो भी लेड से बने हुए हैं, और इन पाइप्स के अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है, कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर से जब कॉन्टैक्ट करती है, कौन जो है वो, जो एसिड कॉन्टैक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, कोल्ड वाटर उसकी हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका लेड चैम्बर, ठीक है, जो है वो, अब लेड चैम्बर में क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी आपके पास सल्फर, जो ग्लोबल टावर में क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है एंड एयर है, वो कहाँ पे जो है, वो तीन चैम्बर्स बने हुए थे, उनमें वो लेड से बने हुए हैं, लेड के ही फ्रेम्स हैं, वुडन फ्रेम्स के अंदर जो है वो फिट है, और वहाँ पे जो है वो क्या होगा, ये लेड से ही क्यों बनाते हैं, ताकि जो एसिड का अटैक, एसिड बन गया ना, एसिड का जो है वो अटैक कम हो, क्योंकि लेड जो है वो क्या करेगा, एसिड जो सुपरफिशियल अटैक होगा, सुपरफिशियल रिएक्शन होगा, यानी ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या करेगी, लेड से रिएक्ट करेगी, और तो क्या बनेगा, वो लेड सल्फेट बनेगा, जब लेड सल्फेट की लेयर उसके ऊपर, लेड के ऊपर बन गई है, तो मजीद अटैक किसका, एसिड का नहीं होगा, इस वजह से जो है वो, ये क्या किया जाता है, लेड चैम्बर जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। ये कितने चैम्बर्स होंगे ये डिपेंड करता है आपके प्लांट के साइज पे, 3 भी होते हैं, 6 भी जो है वो होते हैं, पैरेलल रोज में जो है वो होते हैं, ठीक है, जो है वो, अब इनमें जो है वो, यानी लेड चैम्बर में पास जो है वो क्या हुआ, लेड चैम्बर से जो है वो क्या है, बेसिक रिएक्शन उसमें क्या होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, और गेयर है, एयर है, जो है वो क्या होंगे, मिक्स, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, किस में तब्दील होगी, सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाएगी, जो 50% सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और इन वाटर के साथ जो है वो, इसको क्या किया जाता है, मिक्स, ऊपर से क्या आता है, वाटर आता है, ये इसके अंदर क्या आती है, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एयर, गैसेस ही आएंगी ना जो ग्लोबल टावर से, ठीक है, वो इसके अंदर जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्ट करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, एयर जो है वो क्या करेगी, आप कह लें कि ऑक्सीडेशन करेगी किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, और किस में तब्दील करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड में, ऊपर से जो वाटर आ रहा है वो क्या करेगा, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील करेगा, ठीक है, जो है वो, इस तरह से जो 50% है वो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन चैम्बर्स से जो है वो ऑब्टेन होता है, उसको क्या कहा जाता है, चैम्बर एसिड, इसका जो है वो एक हिस्सा कलेक्ट कर लिया जाता है और एक हिस्सा जो है वो ग्लोवर टावर में सेंड कर दिया जाता है, जो है वो, यानी ग्लोवर टावर में बर्नर गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए सेंड किया जाता है, और
कंसंट्रेशन के लिए भी सेंड जो है वो कर दिया जाता है। चैम्बर्स में स्टीम, स्टीम यानी वाटर जो है वो एक्सेस में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? इसलिए कि जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है जो है वो, ठीक है जो है वो। तो उसका माइल्ड अटैक होगा किस पर जो है वो, चैम्बर पर जो है वो। अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कंसंट्रेटेड बनता है, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा और क्या बनाएगा जो है वो, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या बनेगा, नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड किस में तब्दील नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील नहीं होगा। इन चैम्बर, लेड चैम्बर में नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है बन। बेसिक जो रिएक्शंस हैं वो यही हैं जो है वो, दो तरह के जो है वो मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो क्या होती है आपके पास, सिंथेसिस होती है किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। एक तो बर्जीलियस मैकेनिज्म है और एक डेवी एंड ल्यूज जो है वो मैकेनिज्म है, ठीक है। फर्स्ट में देख लें, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखें नाइट्रिक ऑक्साइड है वो, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, नाइट्रोजन परऑक्साइड में तब्दील हुआ, वो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरस एसिड में तब्दील हो रहा है, सल्फ्यूरस एसिड नाइट्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या किस में तब्दील हो रहा है, सल्फोनाइट्रोनिक एसिड में तब्दील हो रहा है। अब ये दो वेज हैं कि सल्फोनाइट्रोनिक एसिड जो है वो किस तरह से डिकम्पोज होगा सल्फ्यूरिक एसिड में। फर्स्ट जो है वो वे क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है उसका फिर रिएक्शन होगा इसके साथ, सल्फोनाइट्रोनिक एसिड के साथ, वो किस में बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोसाइल हाइड्रोजन सल्फेट में बनेगा, कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, और ये जो या फिर जो है वो क्या होगा, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड में और ये किस में तब्दील हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखें ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो किस में तब्दील होगा, NO में और H2SO4 में, ठीक है। जो ये नाइट्रोसाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये भी जो है वो, यानी दूसरा पॉसिबल मैकेनिज्म जो है वो क्या है कि जो नाइट्रोसाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और किस में तब्दील होगा, ये सल्फोनाइट्रोनिक एसिड में तब्दील होगा और सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये नाइट्रोसाइल जो या फिर ये नाइट्रोसाइल ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड किस में जो है वो वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में तब्दील होगा। अब मैंने कहा कि दो मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू जो है वो, एक बर्जीलियस है एक ल्यूज है। ल्यूज ने जो है वो क्या प्रपोज किया था कि जो SO2 है वो किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में किस में तब्दील होती है, नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील होती है। ये जो नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होके जो है वो नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड स्टीम के साथ रिएक्ट करके किस में तब्दील होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड। यानी पहले क्या होगा, जो ल्यूज मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो नाइट्रोजन परऑक्साइड में तब्दील होगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, N2O3 बनाएंगे। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये N2O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, वो नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्या बना देता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बना देते हैं, ठीक है। ये दोबारा से क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। जो ब्राजीलियस मैकेनिज्म है, ब्राजीलियस मैकेनिज्म सिंपल है कि उसमें क्या होता है, जो पहले नाइट्रिक ऑक्साइड किसमें तब्दील होगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड में तब्दील होगा, ठीक है, नाइट्रोजन परऑक्साइड में तब्दील होगा और ये नाइट्रोजन परऑक्साइड यूटिलाइज होगी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में, वो किसमें तब्दील होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करेंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाएगा और ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर जो है वो क्या बना देगा, NO2 जो कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यानी दोबारा से कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि लॉसिक जो है वो टावर,
ग्लासिक टॉवर में जो है वो क्या है, जो ये ऑक्साइड्स हैं ये नाइट्रोजन के, और जो है वो कुछ सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या किए जाते हैं ग्लासिक टॉवर में से पास किए जाते हैं। ऊपर से जो है वो क्या आ रहा है, ग्लोर एसिड आ रहा है। ग्लोर एसिड यानी जो आपके पास एसिड कंसनट्रेट होने के लिए आया है, ग्लोवर टार से वो स्प्रे किया जाता है कहाँ पे, टू रिकवर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ग्लोवर एसिड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, जिसकी वजह से क्या बनता है, नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ग्लासिक टॉवर में क्या होता है, नीचे से आप यानी आपके पास जो ऑक्साइड्स हैं वह नाइट्रोजन के या सल्फर डाइऑक्साइड है वो नीचे से ऊपर सेंड किए जाते हैं। ऊपर से क्या ग्लोवर एसिड आ रहा होता है, वो ग्लोवर एसिड इनके साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस में तब्दील होता है, नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील होता है। ठीक है, जो है वो ये अभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फिर जो है वो रिकवर किए जाते हैं किस में, ग्लोवर टावर में, जहाँ पे फिर दोबारा से जो है वो ये नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ जो है वो ट्रीट, जब इसका बैक रिएक्शन करेंगे वहाँ पे नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है वो है कि आपके पास एसिड बन गया। ठीक है, जो है वो इसकी प्योरीफिकेशन है। इसकी प्योरीफिकेशन क्यों की जाती है, इसी के इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आती हैं, जब फॉर एग्जांपल जब आपके पास आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे जो है वो आर्सेनियस ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती है, लेड सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो लेड चैम्बर में लेड सल्फेट बना था ना उसके ऊपर सुपरफिशियल लेयर बनी थी, इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। लेड सल्फेट को जो है वो कैसे रिमूव किया जाता है कि इसको जो है वो बाय ट्रीटिंग विद जो है वो एसिड जो है वो यानी लेड सल्फेट जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को में इसको डिसॉल्व किया जाता है। चूंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप कह लें कि कम सॉल्युबल है, तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में चूंकि इनसॉल्युबल है तो क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। आर्सेनियस ऑक्साइड को कैसे रिमूव किया जाता है, आर्सेनियस ऑक्साइड को रिमूव किया जाता है बाईपासिंग H2S गैस थ्रू एसिड, तो जो है वो आर्सेनियस सल्फाइड जो है वो बन जाता है और वो सॉलिड के फॉर्म में बनता है और उसको फिल्टर कर लिया जाता है, इस तरह से आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, जो है वो इसी तरह इसके अलावा जो है वो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट को जो है वो क्या किया जाता है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ ट्रीट किया जाता है, वो किस में तब्दील हो जाता है, नाइट्रोजन में, वाटर में और सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन ऑफ चैम्बर एसिड। अब ये यहाँ पे जो चैम्बर एसिड है वो उससे डिल्यूट एसिड बनता है, मैक्सिमम 78% जो है वो आप बनाते हैं। ठीक है, जो है वो ये 78% से ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट नहीं हो सकता, जो आपके पास वहाँ से आ रहा है वो 50-60% होता है जो ये नहीं चैम्बर है। इसको मज़ीद कंसंट्रेट करने के लिए आप इसको जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स में से जो है वो गुजारा जाता है। दो तरह के कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, दो तरह के प्रोसेस कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक कैस्केड प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस में देखें ये ये चाइना डिश लाइक जो है वो है, जिनमें ऊपर से क्या डाइल्यूट एसिड, यहाँ से जो है वो क्या है डाइल्यूट एसिड है, ये पॉट्स हैं। ठीक है, सिलिका के पॉट्स हैं, उनमें डाइल्यूट एसिड ऊपर से जो है वो डाला जा रहा है और इधर से हॉट गैसेस, हॉट गैसेस क्या करती हैं, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट्स होते हैं उसको स्टीम में तब्दील करती हैं और एसिड वेपर्स, यानी एसिड भी साथ साथ उसके वेपर्स भी बनेंगे, लेकिन स्टीम के ज़्यादा वेपर्स बनेंगे क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो यहाँ पर एसिड के जो वेपर्स हैं वो कम होंगे, यानी स्टीम वाटर की वाटर स्टीम के फॉर्म में यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और H2SO4 आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे आता जाएगा और वाटर कंटेंट्स स्टीम के फॉर्म में रिमूव होते जाएंगे और ये आपके पास कंसंट्रेटेड जो है वो
सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होगा। इसी तरह जो है वो ये रिसाइकल होता है कि हॉट गैसेस पास करके आप सल्फ्यूरिक एसिड में कंटेक्ट नहीं करवाया जाता, ठीक है, डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में जो है वो उसको क्या किया जाता है, कंसनट्रेट किया जाता है। गैलेट प्रोसेस है, गैलेट प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये देखें कि जो है वो यहाँ पे डिल्यूट ये एसिड है उसको स्प्रे किया जा रहा है और नीचे से हॉट गैसेस जो है वो सेंड की जाती हैं। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहाँ से जो है वो हॉट एयर है अलोंग विद गैसेस जो है वो हॉट गैसेस जब इसमें से बॉटम से गुजारी जाती है ऊपर से डिल्यूट एसिड आता है तो क्या होता है ये कंसनट्रेट हो जाता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इधर जो है वो सेंड कर दिए, ये डाइल्यूट एसिड आ रहा है, ठीक है जो है वो, और ये जो है वो कोक है जो गैसेस को क्या कर रहा है, हॉट कर रहा है, हॉट गैसेस जो है वो क्या की जाती है इसमें से पास की जाती है और इस तरह से जो कंसनट्रेटेड एसिड है आपको यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट कंटेक्ट है हॉट गैसेस का किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट जो प्रोसेस है उसमें जो है क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मतलब है जिसमें डायरेक्ट जो है वो कैटलिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट कैटलिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो किया जाता है। अब इसमें जो है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो इसका प्रिंसिपल यही है कि बर्नर है, ठीक है, जो है वो बर्नर में क्या होता है, सल्फर को या आयरन पाइराइड को किस में तब्दील किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में किया जाता है। उस सल्फर डाइऑक्साइड को बेसिक में बता देती हूँ आपको, सल्फर डाइऑक्साइड को जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है कहाँ से ऑब्टेन हुई, बर्नर से, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम के प्रेजेंस में, प्लैटिनम यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो किस में तब्दील होता है, SO3 में तब्दील होता है, ठीक है, SO3 को क्या किया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया जाता है, क्यों, ओलियम प्रिपेयर करने के लिए, फिर ओलियम को क्या किया जाता है, डाइल्यूट कर लिया जाता है। जो लेड चैम्बर में क्या किया था आपने, SO2 है उसको किसके साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट किया था, ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को, ओवरऑल जो रिएक्शन है लेड चैम्बर प्रोसेस में, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है और वाटर है, ठीक है, और यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहां में क्या है, SO2 एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉरी वाटर में नहीं, यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनती थी उसको वाटर में डिसॉल्व करते थे, लेकिन यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनेंगे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ओलियम, ओलियम को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। फ्लोशीट डायग्राम इसकी देख लेते हैं, फ्लोशीट डायग्राम में क्या है, यहाँ पे देखें प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर, प्योरीफाइड इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर रिएक्टर में सेंड किया जाता है, फिर कूल किया जाता है, फिर ये ओलियम टार जहाँ पे ओलियम प्रिपरेशन होती है, अब यहाँ पे फिर उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ओलियम को स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पे देखें जो है वो ये क्या है, जो है वो यहाँ से ओलियम स्टोर, फिर जो है वो उसको कहाँ पे, ओलियम टार में सेंड किया, फिर कूल किया जा रहा है, इस तरह जो है वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड 98% जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, 90 इसको मजीद क्या किया जाता है, कंसनट्रेट किया जाता है। ओलियम टार से जो सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है वो कंसनट्रेटेड, यानी उसका जो है वो एक्चुअली उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है और फिर जो है वो 98% को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इसका, इसकी थ्योरी है, सबसे पहले है जो है वो के बर्नर
है, इसमें क्या होता है यानी आपके पास बर्नर में सल्फर को किसमें तब्दील कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील कर रहे हैं। और जो आयरन पाइराइट है वही रिएक्शन है, जो आयरन पाइराइट है ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में जो है वो तब्दील। अब बर्नर जो है वो ये ओवरऑल थ्योरी दी हुई है इसमें कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की जाती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व किया जाता है, ओलियम ओलियम को डिल्यूट किया जाता है वाटर, तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होता है। बर्नर अब इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है जो है वो प्रेशर बर्नर इसमें इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में जो बर्नर था वो कौन सा था, पाइराइट बर्नर था या ग्लेंस बर्नर था। इसमें ज़्यादातर जो है वो हम एयर कूल्ड पाइराइट बर्नर जो है वो नहीं होते, पाइराइट बर्नर इसमें इस्तेमाल नहीं होते बल्कि जो है वो प्रेशर बर्नर इस्तेमाल होते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है जी बर्नर गैस की ट्रीटमेंट प्योरिफिकेशन। अब बर्नर गैस को जो है वो क्या करेंगे, यानी बर्नर गैस को डायरेक्ट जो है वो कन्वर्टर में नहीं डाल देंगे, कैटालिटिक चैम्बर में नहीं डाल देंगे, बल्कि जो है वो उसके ऊपर प्रोसेस होगा, उसकी प्योरिफिकेशन होगी। अब उसमें क्या होगा जो है वो उसमें क्या है, देखें सर जो सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि स्टीम ऑफ एयर है ना सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अलॉन्ग विद स्टीम ऑफ एयर जो है वो उसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, फ्लोरिन की जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है जो है वो जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ जब आयरन पाइराइट यूज़ करेंगे तब होंगी, ठीक है। अब जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ज़रिए रिएक्ट करके क्या बना देती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले रिमूव करना ज़रूरी है, क्यों, इसलिए कि वो फोगिंग काज कर देती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या बना देती है, मिस्ट बना देती है, सल्फ्यूरिक एसिड के फोग बना देती है। तो इनको रिमूव करना है, यानी आपके पास बर्नर गैसेज में क्या है, डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसको क्या करना है, रिमूव जो है वो करना है, उसको प्योरीफाई जो है वो करना है। तो इसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, क्योंकि आर्सेनिक जो इम्प्योरिटी है वो क्या कर देती है, जो प्लैटिनम कैटलिस्ट या वैनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट लिया हुआ है वो उसको पॉइजन कर देते हैं। बेसिकली जो प्लैटिनम कैटलिस्ट है वो पॉइजन हो जाता है बाय आर्सेनिक इम्प्योरिटीज, लेकिन अगर वैनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तो वो चीप है प्लैटिनम से, दूसरा जो है वो आर्सेनिक से उसकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं जो है वो पड़ता है, ठीक है जो है वो। और जो फ्लोरीन है वो भी क्या करती है, कैटालिटिक पॉइजनिंग जो है वो करती है, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ जो है वो फ्लोरीन कैटालिटिक पॉइजनिंग उसको क्या, कैटलिस्ट को क्या कर लिया जाता है, हीट कर लिया जाता है, तो उसकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है। यानी जो मेटल्स हैं क्लोरीन है, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, ये क्या करती है, एक्ट करती है एज अ कैटालिटिक पॉइजन के तौर पर एक्ट करती है। तो बिफोर प्रोसेसिंग, बिफोर कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड यू हैव टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज। हाँ जी, तो इसमें जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, प्योरिफिकेशन यूनिट में से जो है वो पास किया जाता है, ठीक है। उसमें से प्योरिफिकेशन यूनिट में सबसे पहला चैम्बर कौन सा है, डस्टिंग टावर है। डस्टिंग टावर में जो है वो क्या होता है, डस्टिंग चैम्बर यानी जिसमें डस्ट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है, इसमें नीचे से जो है वो स्ट्रीम पास की जाती है और जो है वो स्टीम जो है वो नीचे से गैसेस हैं, ऊपर से स्टीम पास की जाती है, यानी ऊपर से वाटर वेपर्स हैं, तो क्या होगा उसमें से स्टीम जब पास करेंगे जो डस्ट पार्टिकल्स हैवी होने की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे और उनको जो है वो सेटलिंग चैम्बर्स में से पास करके क्या किया जा सकता है या फिल्टर करके जो है वो क्या किया जाता है, फिल्टर करके रिमूव किया जाता है, या सेंट्रिफ्यूगल सेपरेटर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं या कॉट्रल इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
नेक्स्ट है गैस कूलर जो है वो, इसमें अब जो है वो क्या किया जाता है, कूल किया जाता है उस सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो कूल किया जाता है। यानी जो गैस बर्नर से आ रही होती है वो हॉट होती है, उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है बिफोर गोइंग इन टू कन्वर्टर। और वहाँ पे जो है वो चूंकि टेम्परेचर क्या होता है मिनिमम, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसलिए जो है वो हाई कन्वर्जन अटेन करने के लिए आप क्या करते हैं उसको, गैस को कूल जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे देखें क्या है जो है वो, कोल्ड एयर, यानी जो है कोल्ड एयर जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये सल्फर डाइऑक्साइड पास हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, कूल एयर पास, यानी एक साइड से कूल एयर है, यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो क्या कर देगा उसको, क्या कर देगा, कूल कर देगा, यानी अंदर बाहर। जैसे जो है वो आपके पास एक गिलास है पानी से भरा हुआ, उसको आप अगर गर्म पानी में रख देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा उस गिलास का जो है। अगर उसको ठंडे पानी में रख देंगे तो वो डेफिनेटली उसका, गिलास के पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आप क्या करते हैं, हीट कॉन्टेंट्स को रिमूव करते हैं। ये हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे जो है वो क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रबिंग टार। स्क्रबिंग जो टार है उसमें जो है वो क्या होता है, यानी उसमें जो गैसेस हैं आफ्टर प्योरिफिकेशन यूनिट आफ्टर कूलिंग जो है वो कहाँ पे, स्टीम स्क्रबर्स में जो है वो पास किया जाता है, जहाँ पे उस पे स्प्रे किया जाता है वाटर को। और तो ये क्या करता है, अगर उसमें एसिड जो सल्फर डाइऑक्साइड थी वो क्या होगी, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुई है, तो अगर वहां पे एसिड वगैरह है तो उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, जो है वो इस तरह से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर एसिड कंटेंट से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एसिड कंटेंट सल्फर डाइऑक्साइड में से खत्म हो जाएंगे। बाज दफा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्क्रबर्स भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लाइम वाटर स्क्रबर्स भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें डिजॉल्व नहीं होती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड वगैरह जो है वो बन जाता है। तो लाइम वाटर स्क्रबर्स भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो होते हैं। अब जो गैसेस हैं वो क्लोरीन वगैरह से जो है वो फ्रीली रिमूव, इन क्लोरीन कंटेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो है वो अगर रिमूव अगर नहीं होंगे तो वो क्लोरीन जो है वो क्या करेंगी, वनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट है उसको कंटेमिनेट कर देगी। नेक्स्ट है कोक फिल्टर। कोक फिल्टर यानी कार्बन जो फिल्टर्स हैं ये किस लिए हैं, डस्ट वगैरह की जो है वो रिमूवल के लिए, अगेन जो है वो कोक फिल्टर इस समय, ये प्योरिफिकेशन यूनिट ही है, प्योरिफिकेशन चैम्बर है। आगे फिर कोक फिल्टर है जहाँ पे जो है वो क्या किया जाता है, डस्ट वगैरह को जो है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग टार जो गैसेस हैं। अब इसमें जो है वो क्या है, आपने कोक के साथ इसको मिक्स किया, आपने जो है वो वाटर के साथ इसको मिक्स किया, आपने जो है वो उसको फिर क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, किसमें, ड्राइंग टावर में ड्राई किया जाता है अलोंग विद जो है वो इन वो उसमें क्या होता है, कोक होता है, सैंड होता है, ठीक है, जो है वो, और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, यानी आपके पास ड्राइंग टावर क्या है, नीचे से आपके पास ये फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, नीचे ये चैम्बर है, आपके पास ये चैम्बर है, यहाँ पे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पास हो रही है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पास हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड पास हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो ये क्या करेगा, वाटर कंटेंट्स को उसमें से रिमूव कर लेगा और गैस क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आर्सेनिक प्योरीफायर है। आर्सेनिक प्योरीफायर में आर्सेनिक इम्प्योरिटीज को जो है वो रिमूव किया जाता है, कैसे, जो है वो उस टावर में क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, यानी आपके पास इस तरह से ये आपके पास
ये शेल्स बनी होती हैं, ये शेल्स बनी हैं, यहाँ पे आपका ये फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को जो है उसमें से पास करवाते हैं तो क्या होता है, जो आर्सेनिक होती है वो जो जल है उसके साथ इंट्रैप हो जाती है, ठीक है। जो है वो यानी जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड जल है चूंकि उसमें इंट्रैप हो जाती है, तो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज हेयर गैस रहती है वो फ्री हो जाती है फ्रॉम आर्सेनिक इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है टेस्टिंग बॉक्स, ठीक है। जो है वो टेस्टिंग बॉक्स जो है वो क्या है, यहाँ टेस्ट करने के लिए वेदर जो है वो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज वगैरह तो नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये अंधेरा सा होता है, डार्क बॉक्स जो है वो होता है, ठीक है। जो है वो इसमें जो है वो यानी डार्क बाहर से होता है, ब्लैक कर दिया जाता है ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी शो ना हो। तो बीम ऑफ लाइट जब इसके अंदर से पास की जाती है और जब उसको व्यू किया जाता है तो अगर स्कैटरिंग वगैरह होती है तो उसका मतलब है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर नहीं होती है तो फिर इसका मतलब है वहाँ पे जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। जो है वो तो अगर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे या टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ना, जब देखें एक कमरा है, बंद कमरा है, जब कहीं से लाइट आ रही होती है तो वो कोन की शक्ल में नजर आती है, यानी वो पाथ ब्राइट नजर आता है, वो किस वजह से होता है, वो सॉलिड पार्टिकुलेट्स की वजह से, सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से होता है कि वो क्या करते हैं, सॉलिड स्कैटर करते हैं लाइट को, तो आपको इसलिए जो वो लाइट है वो कोन की फॉर्म में नजर आती है। तो यहाँ पे भी जो डार्क बॉक्स है जब उसमें से लाइट पास करेंगे, उस गैस में से लाइट पास करेंगे, अगर वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, अगर नहीं है तो वो स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक है। जो है वो यानी वो कोन लाइक वे जो है वो नहीं बनेगा, जिसका मतलब है कि ये गैस क्या है, फ्री फ्रॉम डस्ट है। जब वो कंफर्म हो गया कि ये फ्री फ्रॉम डस्ट है तो उसको कहाँ पे सेंड किया जाएगा, कन्वर्टर की तरफ जो है वो सेंड किया जाता है, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या है, जो है वो उससे पहले जो है वो कन्वर्टर में सेंड करने से पहले उसको प्री हीट किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर उसको कंटेक्ट आवर में जो है कन्वर्टर में लेके आते हैं। कन्वर्टर में क्या होता है, जो पाइप्स होते हैं जिनके में क्या होता है, आपका कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट है, ठीक है। जो है वो जब वेनेडियम का कंटेक्ट होगा किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, आपके पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है सल्फर ट्राई ऑक्साइड एब्जॉर्बर जो है वो, अब जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड एब्जॉर्बर सिमिलर टू ड्राइंग टार है, ड्राइंग टावर में आपने ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे किया था, तो यहाँ पे भी ऊपर से क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे करेंगे तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड में और क्या बनेगा, आपके पास ओलियम जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो है वो यानी ये एयर ड्राइंग टावर से मिलते जुलते हैं, जिसमें आपने जो है वो क्या किया था, ऊपर से जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पास किया था। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को देखें, चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड जो ट्राइऑक्साइड थी उसको वाटर के अंदर जो है वो ऑब्जॉर्ब करवाया था, यहाँ पे जो है वो वाटर में नहीं करते, क्यों जो है वो इसलिए कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो क्या बना देती है, जो है वो आफ्टर वाटर के साथ डायरेक्ट करके डेंस फोग बना देती है, ठीक है। जो इस वजह से जो है वो यहाँ पे उस फोगिंग से बचने के लिए क्या किया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करवाया है, ठीक है। जो है वो अब जो है वो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको जो है वो क्या किया जाता है, कूलर्स की तरफ सेंड कर दिया जाता है जो ओलियम बना है, ठीक है। जो है वो और यानी कूल्ड बैक टू बैक किया जाता है और उसको डाइल्यूट किया जाता है टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये ओलियम मैन्युफैक्चरिंग है, ओलियम मैन्युफैक्चरिंग यानी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड
यहाँ पे जो ऑब्टेन होता है ना, वो 98 to 99% जो है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। जो है वो जो उसकी 100 यानी आपके पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, ठीक है। जो है वो क्योंकि उसमें क्या है, लेस वापर्स है। अगर यहाँ पे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, वो मिस्ट जो है वो फोगिंग है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और वहाँ पे क्या होगा, जो फोग यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो मिस्ट की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन होगा। सो इसलिए यहाँ पे जो है वो वाटर इस्तेमाल नहीं करना ताकि मिस्ट जो है वो ना बने, इसलिए जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, वो सल्फर ट्राईऑक्साइड को किसमें किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है 98% सल्फ्यूरिक एसिड में अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। जो है वो अब जो ओलियम है उसको सर्कुलेट किया जाता है, क्यों, इसलिए कि जो अब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो ओलियम में क्या है, स्लो है, यानी एब्जॉर्प्शन इतनी जल्दी नहीं होती। इस वजह से जो है वो दो एब्जॉर्बर जो है वो लगाए गए हैं ताकि आपके पास मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए सल्फर ट्राईऑक्साइड किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो, यानी 20 to 35% जो है ओलियम प्रोड्यूस होता है इन अ सिंगल एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है। जो है वो अब जो इसको क्या किया जाता है, जो 100% सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको कंडेंस किया जाता है, और फिर जो है वो क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है ओलियम के साथ। उस ओलियम को क्या किया जाता है, डिल्यूट किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। इन यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड 100% जो है वो ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन जो चैम्बर प्रोसेस में था वो जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो कितना था, 78% था। दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या था, बर्नर था जिसमें आपने सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अब आपने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको प्योरीफाई करना है। इन नेक्स्ट क्या है, प्योरीफिकेशन जो है वो टार है, पहले सल्फर बर्नर है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्योरीफिकेशन यूनिट है। प्योरीफिकेशन जो है वो में सबसे पहले डस्ट चैम्बर है, डस्ट चैम्बर से बाद में वॉशिंग टावर है, वॉशिंग टावर में ड्राइंग, वॉशिंग टावर के बाद ड्राइंग टावर है, ड्राइंग टावर के बाद जो है वो क्या है, जो आर्सेनिक टार है जिसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, फिर जो है वो क्या है, टेस्टिंग बॉक्स है। टेस्टिंग बॉक्स के बाद आपके पास जो है वो कंटैक्ट चैम्बर है, कंटैक्ट चैम्बर के बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन टार है जहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करवाते हैं, और फिर वहाँ से ओलियम है, और ये ओलियम ही आपने यहाँ तक यानी ओलियम को फिर क्या कर दिया जाता है, अपनी मर्जी के मुताबिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए डाइल्यूट कर लिया जाता है। ये थे जी कॉन्टैक्ट एंड लेड चैम्बर प्रोसेस, ठीक है। जो है वो इसके रिएक्शन आसान है, उसके रिएक्शन ज़रा जो है वो ज़्यादा है क्योंकि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे प्लैटिनम इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो कैटलिस्ट था, पहले नाइट्रोजन परऑक्साइड में तब्दील हो रहा है, वो नाइट्रोजन परऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो रही है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हैं, पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं।